हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे लेबर कार्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट सामने आए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, हाल ही में बताया गया है कि लेबर कार्ड जो है, जितने भी लोग यूएई के अंदर काम करते हैं उनके पास लेबर कार्ड होना मैंडेटरी है। कभी भी चेक हो सकता है, कहीं भी चेक हो सकता है। उसके लिए आप लोग ई लेबर कार्ड या लेबर कार्ड अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि ई लेबर कार्ड या फिजिकली हम प्रिंट आउट लेबर कार्ड का जो है वो अपने पास कैसे रख सकते हैं। उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, ये जो कार्ड सर्विसेज है ना, ये यहाँ की जो गवर्नमेंट पोर्टल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल्स है, उसमें ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्डेड रहती हैं। आप फ्री जोन में काम करते हैं तो फ्री जोन के जो ऑफिसर्स होते हैं, जिन्होंने आपको वीज़ा दिया है, उनसे आप लोग डिटेल्स ले सकते हैं या वहाँ से आएगा। अच्छा, मेन लैंड में जो लोग काम करते हैं उनके डिटेल्स जो होते हैं वो मोहरे पे होते हैं, ठीक है। तो दो वेज हैं कि आप अपना लेबर कार्ड देख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं या ई लेबर कार्ड भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। सबसे पहला है मोहरे का वेबसाइट और सेकंड है मोहरे का ऐप, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेबसाइट से आप लोग कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मोहरे के वेबसाइट में जाना होगा, mohre.gov.ae इसका वेबसाइट नेम है। वहां पे जब आप लोग साइट ओपन करेंगे तो ऊपर में आपको दिखेगा सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज में जब आप लोग क्लिक करते हैं ना, तो उसमें आएगा न्यू एंक्वायरी सर्विसेज, ठीक है। न्यू एंक्वायरी सर्विसेज करके आएगा, फिर वो एक अलग पेज ओपन होगा, इंक्वायरी का पेज उसमें ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना होगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार आप उसको क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म जैसा आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो है आपके डिटेल्स देने होंगे, जैसे लेबर कार्ड का नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी नेशनलिटी हो गई, पासपोर्ट नंबर, ये सारे डिटेल्स जो है आपको वहाँ पे भरना रहता है। जैसे ही आप लोग उसको फिलअप करते हैं तो आपका जो ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन कलर का जो लेबर कार्ड होता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मोहरे के ऐप से भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। मोहरे का ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसमें साइन इन करने के लिए आपको यूएई पास चाहिए। यूएई पास हर किसी के पास होता है, उससे आप लोग जब डालते हैं वहाँ पे तो आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड में आता है एम्प्लॉई का ऑप्शन, ठीक है। एम्प्लॉई में आपको क्लिक करना है तो वहाँ पर आपको एंटर लेबर कार्ड नंबर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो वहाँ पर आपको अपना लेबर कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे ही वहाँ पे आप लोग लेबर कार्ड नंबर अपना डालते हैं, आपका लेबर कार्ड वहाँ पे शो हो जाएगा और आप उसको प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी जो लोग भी यूएई वीज़ा एमनेस्टी का ऑफर चला रहे हैं, ये लोग ना बहुत मतलब आप अगर रह रहे हैं, इलीगली रह रहे थे तो भी आपको जो है लेबर कार्ड आपका लगेगा। तो बहुत लोगों के पास लेबर कार्ड है, नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से जो है अपना लेबर कार्ड, पुराना हो नया हो, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप भी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।